चाहिए, कुछ एक ऐसा इवेंट होना चाहिए जिस इवेंट के अंदर हम एक्चुअली एंड कंज्यूमर तक पहुंचे। आज भी जब कंज्यूमर या मिलेनियल्स चाहते हैं कुछ ज्वेलरी खरीदना या सोचते हैं कि हमें अभी पैसे हमने कमा लिए हैं अभी हम क्या करें, तो बहुत बार सोचते हैं कि आईफोन के नए मोबाइल आए, कुछ नई गाड़ी आई, फॉरेन ट्रिप्स आए। लेकिन जो एक्चुअली इंडिया का ट्रेडिशन है वो है इंडियन ज्वेलरी बाय करेंगे। सोना है सुरक्षा के लिए, हीरा है सदा के लिए, कलर स्टोन्स की रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट की जरूरत है जिसमें अवगत करने की जरूरत है नए यूथ को कि अभी समय आ गया है सही, जिससे वो अपना फ्यूचर ज्वेलरी को खरीद के सिक्योर कर सकें। हमारी सोच ये रहती है कि आज IJSF के वजह से, IJSF के जो इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल होने जा रहा है उसके अंदर हैंडमेड ज्वेलरी जो कितने ही देशों के अंदर, इटली के अंदर, मलेशिया के अंदर, सिंगापुर के अंदर मशीन की ज्वेलरी बन रही है, लेकिन सिर्फ इंडियंस हैं जो हैंडमेड ज्वेलरी बनाते हैं। 15 प्रकारों से बीत के ये हैंडमेड ज्वेलरी बनती है, 20 से 40 दिन के करीब लगता है। आज भी कोई लेडी को बोलो तो वो पहनेगी अपना बैग, पहनेगी एलवी का हर्मेस कोई भी बैग होगा, इसे बैग पहन के बड़े प्राउड महसूस करती है। लेकिन इंडियन हैंडमेड ज्वेलरी जो है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ भारत देश में बनती है, वो ज्वेलरी को बना के उसे एक मैटर ऑफ प्राइड एक 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 लेडी के लिए, ये एक उद्देश्य है इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल का। जो कारीगरी यहाँ होती है वो कारीगरी हम हमारे होर्डिंग्स में, न्यूज़ मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाएंगे। और जो 80 लाख कारीगर्स आज हमारे जेन्युइन ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर हैं उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा कि आज वो ज्वेलरी ही हम अपने होर्डिंग्स पे दिखाकर आगे प्रमोट करेंगे, चाहे वो डायमंड ज्वेलरी हो, चाहे मुंबई की हैंडमेड ज्वेलरी हो, राजकोट की हो, कलकत्ता की हो, त्रिचूर की हो, कोयम्बटूर की हो। तो ये सब ज्वेलरी हैंडमेड से कैसे बन के आगे निकल सके इसके ऊपर भी हमारा काफ़ी जोर रहेगा। बहुत बार क्या होता है कि बिजनेस हमारा 40% बिजनेस चला गया है कॉर्पोरेट के हाथ, कॉर्पोरेट अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सिंगल स्टोर जो है, जो फैमिली ओन बिजनेस है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि यही है जो बहुत सालों से इन्होंने रिश्ता बनाया है हमारे अपने उन कस्टमर्स के साथ। उनका जॉइंट प्रमोशन, एक साथ आएंगे ये लोग, ये जो अभी मेरे हिसाब से 1000 के ऊपर मनोज भाई, 1000 के ऊपर रिटेलर्स और पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं इसके अंदर, और जो हमारा टारगेट है 3000 to 5000 के बीच का टारगेट जो है वो हमारा अचीव करने का, तो पूरा इंडिया एक साथ बोलेंगे सब रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स कि सोना खरीदना चाहिए, जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड खरीदना चाहिए। सो ये 12 अक्टूबर से 17 नवंबर की जो डेट है, पूरी हमारी जो एक्सपेंडिचर है जो भी चालू हुआ है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाएगा।